आज हम बनाने लगे हैं इमली और आलू बुखारे का शरबत। ये हमने थोड़ी सी इमली ली है और ये हैं आलू बुखारे तकरीबन 1 kg। आलू बुखारे को अच्छी तरह धोकर हमने ये बॉईल कर लेना है और साथ में इमली भी हमने ऐड कर दी है। इमली और आलू बुखारे दोनों को हम थोड़ी देर बॉईल होने दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 कप चीनी। अगर शुगर पेशेंट हैं तो चीनी आप कम भी ले सकते हैं या चीनी के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दें। बॉयल होने पर इनका छिलका नरम हो रहा है। अब ये छिलका हम किसी भी चम्मच या किसी भी चीज़ से उतार लेंगे, क्योंकि ये गर्म है तो हाथ से तो नहीं उतरेगा। ये उतर चुके हैं। अब इमली और आलू बुखारा बहुत हद तक पानी में मिक्स हो चुका है। अब हम लेंगे एक ब्लेंडर। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, फिर इसको ब्लेंडर में हम मिक्स करेंगे। अब हम इसको मैशर से अच्छी तरह मैश कर लेंगे। इनके सीड ऑलमोस्ट अलग हो चुके हैं। अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। अब इसमें आइस क्यूब्स डाल के हम इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। और जूस तैयार है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ये तैयार है जूस, इमली आलू बुखारे का मज़ेदार जूस तैयार है।